नमस्कार दोस्तों, अब ये भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है यूपी के अयोध्या से। अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य आचार्य और काशी के प्रकांड विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का निधन हो गया है। उन्होंने 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। लक्ष्मीकांत दीक्षित काफ़ी समय से बीमार थे। काशी में उनकी गिनती यजुर्वेद के अच्छे विद्वानों में होती थी। वे वेदों के भी अच्छे जानकार माने जाते थे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान लक्ष्मीकांत दीक्षित की अध्यक्षता में 121 पंडितों की टीम ने किया था। वे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में भी मौजूद थे। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित मूल रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनका परिवार कई पीढ़ियों से वाराणसी में रह रहा है। उन्होंने अपने चाचा गणेश दीक्षित भट्ट से वेद और अनुष्ठानों की दीक्षा ली थी। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित बनारस के मीर घाट में सांगदेव महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य थे, जिसकी स्थापना काशी नरेश की मदद से हुई थी। तो अब तक की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है यूपी के अयोध्या से। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया है, जिसके बाद अयोध्या वासियों में शोक की लहर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुखद ट्वीट किया है। आप सभी से विनती है, आप कॉमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम लिखें।